ए बी और सी ये तीनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:2:1। तो ए बी सी आपस में पार्टनर्स थे इन द रेशियो 3:2:1। इनमें से जो सी है उसकी डेथ हो गई ऑन 30th June 2016। अब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो इसका कैपिटल अकाउंट है उसका क्लो जो फाइनल बैलेंस है वो है ₹70,600 क्रेडिट, यानी कि उसका जो कैपिटल का बैलेंस है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद वो ₹70,600 है, ठीक है, और ये क्रेडिट बैलेंस है जिसे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बच्चों, क्योंकि जो भी फाइनल बैलेंस होता है ऑफ अ डिसीज पार्टनर उसको उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो सी के एग्जीक्यूटर हैं उनको ₹10,000 तो इमिडिएटली पे कर दिया जाएगा ऑन 1st July 2016, यानी कि जस्ट एक दिन बाद, और जो बचे हुए पैसे हैं यानी कि बचे हुए ₹60,000 जो हैं वो पे किए जाएंगे तीन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी हर इंस्टॉलमेंट ₹20,000 की होगी, ठीक है बच्चों, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो 20,000 तो आपको पे करना ही करना है प्लस जो भी ईयरली इंटरेस्ट होगा ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसका 10% पर एनम इंटरेस्ट भी इसमें जोड़ के पे किया जाएगा, ठीक है बच्चों। इस बात का ध्यान रखेगा कि जो पहला पेमेंट है वो किया जाएगा 30th June 2017 को, यानी कि सी के डेथ के जस्ट एक साल बाद, एग्जैक्टली एक साल बाद। यहां पर एक बात इन्होंने आपसे और ध्यान में रखने के लिए कहा है बच्चों, वो ये कि जो फर्म है वो अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है। तो पहली बार जब अकाउंट क्लोज किया जाएगा वो 31 मार्च 2017 को किया जाएगा, ठीक है बच्चों। सी की डेथ हुई है 30th June 2016 को, तो उसके मरने के जो है बाद जो पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 2017 को होगा, उससे अगला 31 मार्च 2018 को, और उससे अगला 31 मार्च 2019 को। मैं तीन क्लोजिंग ईयर इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि इसको तीन इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो पहली इंस्टॉलमेंट तो 30th June 2017 को पे की जाएगी, मगर जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो पे की जाएगी 30th June 2018 को, और उससे अगली 30th June 2019 को। तो इंस्टॉलमेंट्स पे तो करनी है आपको June 17, June 18 और June 19 में, मगर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अकाउंट क्लोज करने हैं March 17, March 18 और March 19 में, ठीक है बच्चों। जो एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाते समय हमें ध्यान में रखनी है कि अकाउंट क्लोज कब करना है और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब करना है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब बना लेते हैं सी का एग्जीक्यूटर, सी के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। तो बच्चों जब आप सी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे तो जिस दिन उसकी डेथ हुई थी 30 जून 2016 को, उस दिन आप लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल का फाइनल बैलेंस एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है तो उस दिन आपको कैपिटल अकाउंट से पैसा जब आप एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में तो आप डेबिट साइड लिखा करेंगे, मगर एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे उसका फाइनल बैलेंस। और जो आपने इमीडिएट पेमेंट किया है उसको 1st July 2016 को, उसको लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखिएगा कि बैलेंस जो बचा है वो बचा है केवल 60,000 जो आपको सी के एग्जीक्यूटर को तीन एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब पहला पेमेंट तो किया जाएगा 30th June 2017 को, लेकिन आपको उससे पहले अपना अकाउंट क्लोज करना है ऑन 31st March 2017, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उस जून से पहले मार्च आ जाएगा, तो आपको मार्च तक का इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च 2017 का तक का, तो इंटरेस्ट निकलेगा 60,000 पे, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। 60,000 पे आप ये इंटरेस्ट निकालेंगे, 10% के हिसाब से निकालेंगे,
और 9 मंथ्स का निकालेंगे, ये निकल कर आएगा बच्चों 4500। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, मार्च में आपको इंटरेस्ट इसलिए निकालना है क्योंकि आपको मार्च में बुक्स भी क्लोज करनी है फर्म की, दैट्स वाई आपको मार्च में इंटरेस्ट निकालना पड़ा, बट ओनली फॉर 9 मंथ्स के इंटरेस्ट निकाला जाएगा। 30 जून 2016 को उसकी डेथ हुई थी, 30 जून 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक केवल 9 मंथ्स ही होते हैं, तो दैट्स वाई आपने 60,000 पे इंटरेस्ट निकाला है फॉर 9 मंथ्स एट द रेट 10% पर एनम, और इस दिन आपको अकाउंट क्लोज भी कर लेना है, 31 मार्च 2017 को आपको अकाउंट क्लोज भी करना है, क्योंकि जब फर्म की बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उसमें आपको इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग का अमाउंट जो लोन का है दोनों शो करने होंगे, जो कि आएगा 64,500, इन्हें जोड़ के इसे माइनस कर दीजिएगा, ये आ गया बच्चों आपका 75,100। इतना क्लियर बच्चों? Now come to 1st April 2017 और इस दिन आपको अकाउंट को रीओपन करना है। अगर मार्च में क्लोज किया है तो रीओपन कब करेंगे बच्चों? मार्च में, अप्रैल में, दैट्स वाई। अब आ जाइए उस डेट पर जिस डेट पे आपको पेमेंट करना है पहले इंस्टॉलमेंट का, तो पहले इंस्टॉलमेंट का आपको पेमेंट करना है 30th June 2017 को, आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला था ना बच्चों आपने 60,000 पे, अब उसी 60,000 पे आपको जो है इंटरेस्ट निकालना है बचे हुए 3 मंथ्स का 10% पर एनम के हिसाब से, तो ये आ जाएगा बच्चों ₹1500। वो था 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों, और ये है आपका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। और 30 जून 2017 वो डेट है जिस दिन आपको अपना अकाउंट क्लोज भी करना है, सॉरी पेमेंट करना है, अकाउंट तो क्लोज मार्च में किया जाएगा मगर 30 जून 2017 को आपको सीके एग्जीक्यूटर को उनकी पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, ठीक है बच्चों। और पहले इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? पहले इंस्टॉलमेंट होगी 20,000 जो आपको उसको पे करना है प्लस इस साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 20,000 तो इसलिए क्योंकि 60,000 तीन इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 आपको पे करना है और प्लस इस साल का इंटरेस्ट जो कि 6,000 है, 9 महीने का यहाँ रिकॉर्ड किया था, 3 महीने का आप रिकॉर्ड किया, लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट 6,000 है, तो आप पेमेंट करेंगे 26,000। अब जाके आपका पहला पेमेंट हुआ है बच्चों, और याद रखिएगा अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है पहले पेमेंट के बाद ₹40,000। कितना रह गया बच्चों? ₹40,000। अब आपको आना है अपने 31st March 2018 पे, क्योंकि अगला पेमेंट किया तो जाएगा 30th जून 2018 को मगर उससे पहले फर्म को अपना अकाउंट क्लोज करना है 31st मार्च 2018 को, तो एज पर अक्रूवल कंसेप्ट आपको मार्च तक का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो भी करना होगा अलोंग विद आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। तो दैट इज वाई हमने 31st मार्च 2018 को फिर से अकाउंट क्लोज करना है और इंटरेस्ट निकालना है उससे पहले, और ये जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो 40,000 भी निकाला जाएगा, 10% पर एनम के हिसाब से निकाला जाएगा और ओनली फॉर 9 मंथ्स निकाला जाएगा, ठीक है बच्चों। 9 मंथ्स इसलिए क्योंकि 30 जून 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 9 मंथ्स होते हैं, और ये इंटरेस्ट इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि फर्म को अपनी बुक्स को क्लोज भी करना है, तो ये निकल कर आएगा बच्चों ₹3,000, और इस दिन फर्म को अकाउंट क्लोज भी करना है तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ जाएगा 43,000। आप देख लीजिएगा करके बच्चों 64,500 और 500 के 1500 होता है 66 और 3 होता है 69,000। अगर आप 69,000 में से 26,000 माइनस करेंगे तो 43,000 ही आएगा, आएगा ना बच्चों, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका 31st मार्च 2018 का इंटरेस्ट जो हमने निकाला 40,000 पे 10% पर एनम के हिसाब से निकाला बट ओनली फॉर 9 मंथ्स निकाला, ठीक है बच्चों। आइए अब जो है हम अकाउंट को रीओपन कर लेते हैं, और अगर अकाउंट क्लोज हुआ है 31st मार्च 2018 को तो रीओपन होगा 1st अप्रैल 2018 को, ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों जब आप 1st अप्रैल 2018 को अकाउंट रीओपन करेंगे तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना बच्चों, कितना 43,000।
अब आते हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट डेट पे, जो कि 30 जून 2018 होगी, है ना। अब इस दिन आपको फिर से इंटरेस्ट निकालना है बचे हुए 3 महीने का, और किस पे निकालना है, 40,000 पे, जो दूसरे साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लोन का। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 40,000 पे ये इंटरेस्ट निकालना है, 10% के हिसाब से निकालना है, और सिर्फ बचे हुए 3 महीने का निकालना है। ये आ जाएगा 1,000, सही है बच्चों। फिर आपको 30 जून को दूसरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी करना है, 30 जून 2018 को। आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये जो पेमेंट किया जाएगा ये आएगा 24,000। कैसे आया मैं बता देता हूँ। 20,000 तो आपको पे करना ही करना था प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है, 1/3, और इस साल का इंटरेस्ट है 4,000 जो दूसरे साल का है। मार्च तक का इंटरेस्ट 3,000 था, और मार्च से लेकर जून तक का इंटरेस्ट 1,000 है, तो टोटल आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो है ₹4,000 पूरे साल का। मार्च में अकाउंट क्लोज करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि फर्म को अपना अकाउंट्स क्लोज करके बैलेंस शीट बनानी होती है, तो तब तक का इंटरेस्ट अलॉन्ग विद आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में शो किया जाना था। दैट्स वाई मार्च में भी हमें अकाउंट क्लोज करना पड़ा और 9 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ा। मगर जून में तो हमें पेमेंट करना है दूसरे इंस्टॉलमेंट का, तो बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट हमने अब निकाला, और इस दिन हमने पूरे साल का इंटरेस्ट 30 जून 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक का 4,000 जो इंटरेस्ट निकल कर आया आउटस्टैंडिंग अमाउंट 40,000 पे, ठीक है, तो पूरा इंटरेस्ट पे किया अलॉन्ग विद इंस्टॉलमेंट जो हमें पे करनी थी प्रिंसिपल अमाउंट की 1/3, यानी कि 20,000 आउटस्टैंडिंग इनिशियली था 60,000, उसका 1/3 20,000 प्लस पूरे साल का इंटरेस्ट है ना। अब याद रखिएगा बच्चों, दो इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है, पहले 30 जून 2017 को, दूसरी 30 जून 2018 को, ठीक है बच्चों। 20 हमने तब पे किया था, 20 अब पे कर दिया, अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया केवल और केवल ₹20,000। अब फिर से वही दिक्कत आएगी कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट तो करना है जून 2019 में, लेकिन उससे पहले आपको अकाउंट क्लोज करना है मार्च 2019 में। तो आ जाइए पहले मार्च 2019 पे आ जाइए, यहाँ लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और ये इंटरेस्ट निकलेगा तीसरे साल के आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो कि 20,000 है उस पर, 10% के हिसाब से निकलेगा और 9 मंथ्स का निकलेगा, क्योंकि 30 जून 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का टाइम पीरियड केवल 9 मंथ्स ही होता है। तो ये इंटरेस्ट निकल के आएगा 1500, और इस दिन हमने इंटरेस्ट इसलिए निकाला क्योंकि हमें अपना अकाउंट क्लोज करना है फर्म को, अपनी बुक्स क्लोज करनी है, और लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करना है, इसलिए मजबूरन हमें मार्च में अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। ये आ जाएगा 45,500 टोटल, और बैलेंस कैसे आया था, इनको जोड़ दिया और इसे माइनस कर दिया, तो इतना ही निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं। अब आ जाइए 1 अप्रैल 2019 पे, जितना क्लोजिंग बैलेंस था प्रीवियस ईयर का उतना ही करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 21,500। अब आते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट डेट पे, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट डेट है 30 जून 2019। अब आपको 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 9 महीने का इंटरेस्ट तो आप निकाल ही चुके हैं, और ये तीसरे साल का, ठीक है बच्चों, आखिरी साल जो है पेमेंट का, उसमें बचे हुए 3 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना है, 20,000 पे निकालना है, 10% के हिसाब से निकालना है, और बचे हुए 3 महीने का ये आ जाएगा 500। और ये 30 जून 2019 हमारी पेमेंट की डेट भी है, इस दिन हमें अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। तो जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें 20,000 तो पे करना ही करना है, प्लस तीसरे साल का टोटल इंटरेस्ट जो कि 2,000 है, 2,000 कैसे आया, 1500 यहाँ पर और 500 यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेट जरूर 9 महीने और 3 महीने करके कराया हमने, लेकिन पेमेंट तो पूरे एक साल का ही करना है इंटरेस्ट, दैट्स वाई पूरे साल का इंटरेस्ट 2,000 हम पे करेंगे, और 20,000 तो आपको पता ही है बच्चों, 60,000 का 1/3, 60,000 का 1/3, और ये पेमेंट हो गया 22,000, और ये हमारा अकाउंट फाइनली सेटल हो गया, फाइनली क्लोज हो गया, क्योंकि हमने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून 2017 को पे की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 30 जून 2018 को पे की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट 30 जून 2019 को पे करी। मार्च में अकाउंट क्लोज करना हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने हर साल के इंटरेस्ट को पहले 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला, फिर बाद में 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, पहले मार्च तक का इंटरेस्ट निकाला, फिर जून तक का इंटरेस्ट निकाला, मार्च से लेकर जून तक का बचे हुए 3 महीने का पेमेंट हर साल हमने पूरे साल के उसका किया है इंटरेस्ट का। 30 जून 2017 में जब हमने पेमेंट किया था तो 20,000 में पूरे साल का इंटरेस्ट जो पहले साल का 6,000 था उसको जोड़ के किया। दूसरे साल जब हमने पेमेंट किया 30 जून 2018 को, तो हमने उस साल
20,000 पे किया प्लस 4,000 जो दूसरे साल का इंटरेस्ट था वो पे किया, और तीसरे साल जो हमने पेमेंट किया तो 20,000 प्लस तीसरे साल का जो टोटल इंटरेस्ट था पूरे साल का वो पे किया, है ना बच्चों। पहले साल का इंटरेस्ट 60,000 पे निकाला गया, दूसरे साल का इंटरेस्ट 40,000 पे, और तीसरे साल का इंटरेस्ट 20,000 पे, क्योंकि 20,000 हर साल प्रिंसिपल का पे होता जा रहा था। तो प्रिंसिपल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पहले साल 60,000 था, दूसरे साल वो 40 रह गया, तीसरे साल वो 20,000 रह गया। मार्च में इंटरेस्ट निकालना हमारी मजबूरी थी, बिकॉज मार्च में इंटरेस्ट जब निकाला जाएगा उस दिन बुक्स को क्लोज भी करना है, तो वो इंटरेस्ट केवल हमने 9 महीने का निकाला है हर साल, और बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट जून में निकाला है, ठीक है बच्चों। और पेमेंट पूरे साल के इंटरेस्ट का क्या है इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर बच्चों।